तो भैया बाबू सोना लोग, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्यार जो है, या फिर आपके अपने मतलब आपके प्यार के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में उसके घर वालों को पता लग गया है, या फिर उसके भाई को पता लग गया, उसकी बहन को पता लग गया, आप तुमसे उससे बात नहीं होती है, या फिर कुछ कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम बात बात नहीं कर पा रहे हो, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहली चीज़ होती है भैया, देखो है ये ठंड का टाइम, परिवार क्या होता है कि कभी कभी एक कमरे में सोते हैं सारे के सारे, कभी कभी अलग अलग कमरे में सोते हैं, तो भैया आजकल चिपक के सोने वाला सिस्टम ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसकी बहन ने या फिर उसके भाई ने देख लिया तुम्हें बात करते हो। पहले क्या था, ठंड का टाइम था, वो उधर ही, वो गर्मी का टाइम था, कभी वो उधर कभी उधर, लेकिन अभी क्या उसने देख लिया हो, मतलब पता लग गया उसे, और उसने उसके बाप को बता दिया, या फिर आज के बाद अगर तुमने किसी लड़के से बात की, तुम्हारी शक्ल तोड़ दूंगा, तुम्हारा थोपड़ा तोड़ दूंगा, तुम्हारा फ़ोन छीन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब भी हो सकता है, ठीक है? पहले टॉपिक ही हो गया। अब सेकंड टॉपिक ये हो सकता है भैया कि किसी ने तुम्हारे बारे में बता दिया हो, रिश्तेदारी में, या फिर किसी पोस्ट में, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किसी ने देख लिया और तुम्हारे बारे में बता दिया, उसके बाद भैया तुम्हारा अच्छा खासा लग गया, पता लग गया उसके घर वालों को, किसी ना किसी वजह से पता लग ही जाता है। तो भैया अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहो। तो भैया सबसे पहली चीज़ ये होती है कि तुम लोगों के दिमाग में आता है अभी तुरंत कॉन्टैक्ट करूँ, तुरंत मैं पता करूँ, नहीं तो यार कभी ऐसा ऐसा ना हो जाए कि यार वो सोचे कि ये मेरे से प्यार नहीं करता है, अभी मेरे से बात नहीं करना चाह रहा है, अगर इतना प्यार होता तो मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे से बात करता, ये करता, वो करता। तो मेरे भैया अगर इस टाइम तुम उससे बात करने जाओगे, या फिर कॉल करने की कोशिश करोगे, या फिर कुछ भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो उसके घर वाले देख लेंगे, जिसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा डांट पड़ सकती है, उसकी वजह से उसको और भी ज़्यादा मार पड़ सकती है, जिससे कि तुम लोग बहुत ज़्यादा जो 1% चांसेस रहता है आने का वापस, वो भी चला जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ तुरंत कॉन्टैक्ट ना करें, थोड़े बहुत दिन बाद उसके दोस्त या सहेलियों से पता कर सकते हैं, या फिर थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं कुछ दिनों का, समझे? तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। अब जो हमारा सेकंड चीज़ होता है वो ये होता है मेरे भाई कि तुम्हारे ऊपर होता है कि तुमने उस लड़की पे कितना अपना इंप्रेशन छोड़ा था, मतलब कितना तुमने प्यार किया था, कितना तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती थी, क्या नहीं करती थी, ठीक है? कितना तुमसे सच्चा प्यार करती थी। अगर तुमसे प्यार करती होगी तो भाई ये नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मतलब कई बार मैं बता नहीं सकता आपको, अनगिनत बार, कि जो लड़की है मेरे से अगर उसके घर में पता लग गया है या फिर कुछ भी हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक मतलब 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ऑटोमेटिक मेरे से कांटेक्ट करती थी कि हाँ अच्छा किया तुमने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, वो मेरे को खुद बोलती थी। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझे? वो आपसे खुद कॉल या मैसेज करेगी, खुद बात करने की कोशिश करेगी, अगर आप उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर दोबारा ऐसे बिना मतलब में, तो भैया प्लीज़ आप भी उलझ सकते हो, वो भी उलझ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझे? तो इस बात को ध्यान में रखो, जिसके तुम्हारा उसका भाई आकर के तुम्हें कूट देगा। इससे अच्छा थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा अच्छा रखो, और तुरंत ये रोने धोने वाला सिस्टम जो तुम एकदम सैड होकर मुंह लटका चले आते हो, ये बहुत गलत बात है। एकदम खुश रहो, एकदम नॉर्मल रहो यार, मर नहीं जा रहे। हाँ मानते हैं तुम्हारा पार्टनर ठेला जा रहा है, ठोका जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम दुखी बात में बन के घूमोगे। खुश रहो, एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी की लाइफ में होता है। और अगर ज़्यादातर वो कई बार क्या होता है ना कि भैया उसके घर वाले समझा देते हैं, अब कुछ दिन का प्यार होता है अट्रैक्शन वाला भूत वाला, तो इसमें चला जाता है। अगर वो तुम्हारा पार्टनर चला जा रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया अच्छी बात है वो चला जा रहा है, क्योंकि यार उसके घर वाले हैं, वो समझ रहे हैं एक दूसरे को, वो अपनी बच्चे को समझा दें उनने, बहुत अच्छी बात है, समझे? अभी तुम कहोगे हिमांशु भाई तुम प्यार नहीं करते, तुमने प्यार नहीं समझा, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, भैया हम सब समझते हैं, समझे? अगर प्यार होता तो वो जाती ही नहीं, चाहे जितना वो ठोकी जाती, चाहे जितना कुटी जाती, तुमने वो देखा था कि नहीं देखा था? उसमें एक लड़की थी, वो कहती है कि हम प्यार किए हैं, हम मर जाएंगे इसके लिए, दुनिया भर की चीज़ें, तो ये सब हो सकता है, ठीक है? और कई बार क्या होता है यार, एक बार एक हिसाब से ये भी समझ लो, ये भी एक तरह का प्यार है कि तुमसे अलग हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने परिवार के लिए अलग हो रहा है, कोई ऐसी वो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को समझो तुम यार, ऐसे थोड़ा ना होता है कि तुम रोने धोने लोग एकदम पगला गए हो कि भैया उसके घर वालों को पता लग गया, उसके भाई को पता लग गया, उसने कहा कि अब मुझे कूट डालेगा, मेरी बहन की तरह देखना मत, ये सब बहुत गलत बात है, ऐसा है वैसा है। नॉर्मल सी बात है, अगर उसको टेंशन होगी, आपसे थोड़ा बहुत प्यार होगा, तो वो खुद कॉन्टैक्ट करेगी या करेगा, समझे? और हो सकता है उसको कोई और लौंडा मिल गया हो तब तक, तो इतना मत लो लाइटली, 1-2 महीने वेट करो, अगर नहीं आता है, नहीं कुछ होता है, तो ठीक है भैया अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसे खड़े रहने से, एकदम चूतिया बने रहने से कुछ नहीं होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आया कुछ तो अच्छी बात है, लाइक कर दो, अगर नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं भैया, आप मंदबुद्धि हो, आपके पास दिमाग है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, समझाना मेरा फर्ज था, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे मुझे बताइए, अगर वो ज़रूरी हुई तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में इसलिए बोला क्योंकि भैया मैं नहीं चाहता था कि पूरी वीडियो की ऐसी की तैसी करूँ,
समझे।